हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन्वेंट्री, बेसिकली सेक्टर 4 में 250 स्क्वायर यार्ड प्लॉट साइज है और ये साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। इसमें अभी टॉप फ्लोर बचा हुआ है, रिमेनिंग फ्लोर इसमें आपको फ्लोर सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। और ये इसका कुछ फ्रंट एलिवेशन जो कि देखने में कुछ ऐसा लगता है देखने में, और काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स, ये इसका काफ़ी बड़े साइज़ की ग्रीन बेल्ट भी है जो कि आप देख सकते हो ये। और ये इसका रैम्प एरिया है, लोकेशन भी काफ़ी बेहतरीन सा है, लोकेशन देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है जो कि आप देख सकते हो ये भी। और इसमें अभी काम चल ही रहा है, आप देख सकते हो वर्क इन प्रोसेस है इसमें। और ये इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। फ्रेंड्स, इसमें दो गाड़ी की पार्किंग रहेगी, वो भी गॉन टू दी स्टिल्ट पार्किंग। और ये इसका हो गया पार्किंग एरिया। और इसमें 2500 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी मिलेगी पर फ्लोर पर यूनिट, जो कि आप ये देख पा रहे हो कि प्रॉपर इसमें काम चल रहा है अभी। ये इसका यहाँ पे फेस चेंजर के लिए प्रोविजन दिया हुआ है पर फ्लोर। और इसमें आपको कोन की लिफ्ट का इंस्टॉलेशन, फोन की लिफ्ट की इसमें अभी आपको इंस्टॉलेशन चल रहा है। और मूविंग ऑन टू द स्टेयर केस एरिया, और इसमें अगर बात करूँ स्टेयर केस एरिया की, फ्रेंड्स इसमें प्रॉपर काम किया गया है, ग्रेनाइट का स्टील की रेलिंग मिल रही है, यूपीवीसी की विंडो का प्रोविजन मिल रहा है इसमें। और ये इसका पार्किंग एरिया है, दो गाड़ी की पार्किंग रहेगी पर फ्लोर। और ये काफ़ी ह्यूज साइज का पार्किंग एरिया है जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। ये इसका स्टेयरकेस एरिया हो गया। फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू दी फ्लैट एरिया, और जस्ट इसके सामने फ्रेंड्स यहाँ पे ये फ्लैट के राइट, यहाँ लेफ्ट में कोन की लिफ्ट आ रही है। ये मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया, देख पा रहे हो इसमें कोन की लिफ्ट की इंस्टॉलेशन चल रही है इसमें। और ये टॉप तक नहीं आएगी, ये फोर्थ फ्लोर तक ही आएगी। और ये इसका स्टेयरकेस एरिया हो गया, प्रॉपर काम किया गया है इसमें, ग्रेनाइट का स्टील की रेलिंग दी गई है इसमें। और लिफ्ट टॉप तक नहीं आ रही है इसमें। और ये इसका टेरेस एरिया हो गया, ये आप देख पा रहे होंगे 1000 लीटर का सिंटेक्स मिल रहा है इसमें आपको टेरेस पे। सॉफ्ट एरिया है, ये सॉफ्ट हो गया। और ये पीछे भी आपको प्रॉपर आयरन की रेलिंग दी गई है इसमें, जो कि देखने में ये भी काफी बेहतरीन से लग रहा है। और ये छत हो गया फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू दी, यहाँ भी एक सॉफ्ट बन रहा है इस तरफ, एक सॉफ्ट यहाँ पे। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया गाइज, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन्वेंट्री, ये बेसिकली सेक्टर 4 गुड़गांव में साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। 250 स्क्वायर प्लॉट साइज है, 1500 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है ये। अगर बात करूँ फ्रेंड्स इसकी एंट्रेंस डोर की, तो ये इसका एंट्रेंस डोर हो गया, जो कि ये साउथ ईस्ट फेसिंग है, जो फ्लैट से एंटर करते हो। मैं इसका आपको लेआउट समझाता हूँ क्या है नहीं है। यहाँ से आप एंटर किए, ये इसका एंट्रेंस डोर हो गया, इसमें प्रॉपर आपको पॉलिश की काम की हुई है। और इस तरफ ये इसका लॉबी एरिया हो गया, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। और ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया, और फ्रंट बालकनी है, और इससे अटैच ये कवर्ड एरिया है, और इधर राइट में मेरे वाशरूम एंट्रेंस। मूविंग ऑन टू दी पीछे की तरफ चलते हैं हम लोग। पीछे की तरफ क्या है कि मेरे जस्ट लेफ्ट में सेकेंड बेडरूम हो गया, अटैच वाशरूम है इसमें। और ये इसका थर्ड बेडरूम हो गया, ऐसे अटैच वाशरूम है। और ये वाला इसका हो गया किचन एरिया, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें सारे में ही सेरेमिक वेट्रीफाई टाइल्स का काम किया गया फ्लोरिंग में। ऑफ वाइट कलर की इसमें टाइल्स लगी हुई है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। यूपीवीसी के साइडेड डोर्स मिल रहे हैं, टफन ग्लास, एक मेस डोर, दो ग्लास डोर मिल रही है इसमें आपको।
और फॉल्स सीलिंग का भी काम इसमें हुआ हुआ है। एसी के लिए यहाँ प्रोविजन दिया हुआ है जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। रूम के साइज भी काफ़ी बड़े हैं जो कि आप देख सकते हो ये भी। और ये इसका डोर का डिज़ाइन है जो कि देखने में इस तरह लगता है कुछ है, जो कि काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। मूविंग ऑन टू दी अटैच वाशरूम, और फ्रेंड्स ये इससे अटैच वाशरूम है। सेम इसमें भी लाइट ग्रे कलर की फ्लोर वेट्रीफाइड टाइप का काम किया गया है, और सारे फिटिंग्स एंड ऑल इसमें जैगवार के हैं। वॉश बेसिन और सीट जो है ये क्यू ब्रांड की लगी हुई है जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपको क्रॉम्पटन की एग्जॉस्ट लगी हुई है, यूपीवीसी की इसमें आपको विंडो दिया हुआ है। और ये इसका वार्डरोब है, इस वॉशरूम में ही अटैच्ड है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इसका वार्डरोब का कुछ डिज़ाइन हो गया अंदर का जो कि आप देख पा रहे हो। ये देखने में ये भी काफ़ी बेहतरीन से लग रहा है। सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं कुछ स्टोरेज के लिए, और सारे ही ये सॉफ्ट क्लोज है फ्रेंड्स जो कि आप देख पा रहे हो। ये इस तरफ भी आपको दो साइड बाई साइड वार्डरोब बनी हुई, इधर भी अभी ये प्रॉपर ये इन्होंने इसको ब्लॉक किया हुआ है कि डस्ट ना जाए इसके लिए, सेम साइज है। मूविंग ऑन टू दी फ्रंट बालकनी जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और मैंने बताया आपको फ्रेंड्स ये साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, और ये इसका बालकनी हो गया प्रॉपर। इसमें आयरन की रेलिंग दी गई है इसमें, और इसमें ब्लैक कलर की काम किया गया मतलब ग्रेनाइट का जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सारे में ही इसका डिज़ाइन हो गया, यूपीवीसी की डोर्स लगे हुए हैं, मार्बल का इसमें चौखट बनी हुई है, फ्रेमिंग किया गया है। यहाँ पे आप काफ़ी बड़े साइज की रैंप एरिया मिलती है जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ भी गाड़ी की पार्किंग कर सकते हो, दो गाड़ी की पार्किंग रहेगी इसमें आपको। लोकेशन देख सकते हो, लोकेशन काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी प्यारा लोकेशन के साथ ही मिल रहा है आपको जो कि आप देख सकते हो ये। और ये इसकी बालकनी हो गई, आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितने बड़े साइज की कंपनी है। सारी कोठियाँ बनी हुई है, लोकेशन काफ़ी प्यारी है फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम जो कि इस लॉबी से ही कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें भी आपको ऑफ वाइट कलर की सारे सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। फॉल्स सीलिंग का काम इसमें हुआ हुआ है, एसी के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, यूपीवीसी की इसमें आपको डोर मिल रही है प्रॉपर। ये टफन ग्लास का यूज़ किया गया है इसमें जो कि आप देख पा रहे होंगे। और इस तरह ये इसका डोर का डिज़ाइन हो गया जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। ये भी मूविंग ऑन टू दी अटैच वाशरूम जो कि इस बेडरूम से अटैच्ड है। ये अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें प्रॉपर लाइट ग्रे कलर की सारे ही वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है। इसमें आपको वॉश बेसिन मिल रही है, फिटिंग्स एंड ऑल सारे इसमें जैगवार के हैं। अभी इसमें लाइटिंग का प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, बट जितना हो सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसे अटैच ये स्लाइडर वार्डरोब है जो कि आप ये देख पा रहे होंगे, काफ़ी ह्यूज साइज का ये वार्डरोब है फ्रेंड्स। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या है नहीं है। अभी सॉरी इसमें लाइट नहीं है, तो जितना हो सकता है आप समझ लो देख लो। यहाँ नीचे ड्रॉअर बने हुए हैं, ऊपर सारे पार्टीशन बनी हुई है स्टोरेज के लिए। ये इसका एक वार्डरोब हो गया, एक साइड हो गया। और इस तरफ भी आप देख लो, सारे ही सॉफ्ट क्लोज है। यहाँ आप देख सकते हो नीचे आपको स्पेस दिया हुआ, एक बड़ी साइज की ड्रॉअर मिल रही है, ऊपर भी स्टोरेज के लिए दिया गया है। और सारे ही फ्रेंड्स ये आपको सॉफ्ट क्लोज हैं जो कि आप देख सकते हो। ये इससे अटैच ये बालकनी है फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बालकनी, और ये एक छोटी सी बालकनी है इसमें। यहाँ पे सेम इसमें भी फ्लोरिंग में काम किया गया है, ग्रेनाइट लगी हुई है, आयरन की रेलिंग दी गई है इसमें, और यहाँ कुछ स्पेस भी छोड़ा गया है जो कि आप देख सकते हो। लोकेशन भी आप देख रहे हो, लोकेशन भी काफ़ी बेहतरीन सा, काफ़ी प्यारा लोकेशन के साथ मिल रहा है आपको। ये पीछे जो ये इसका ईस्ट फेसिंग हो गया। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम जो कि इसके इस लॉबी से कनेक्ट हो रहा है, और ये इसका हो गया थर्ड बेडरूम। मैंने बताया आपको कि जो बैक साइड की जो बालकनी है ये फेसिंग कर रहा है ईस्ट। प्लॉट जो है वो साउथ वेस्ट है, जो फ्लैट में एंट्री करते हो वो आपको वो साउथ ईस्ट है।
और जो बिल्डिंग है वो साउथ वेस्ट है। अब देखो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की तो एग्जैक्टली इसमें ऑफ वाइट कलर के सारे में सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे इस तरफ इसमें भी। और फ्रेंड्स इसमें प्रॉपर आपको फ्लोरिंग में मैंने बताया आपको सारे वेट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई है, ऑफ वाइट कलर की इसमें टाइल्स का काम किया गया है। यूपीसी की सारी डोर्स मिल रहे हैं, एक मेज डोर, दो ग्लास डोर मिल रही है। फॉल्सिंग का भी काम इसमें हुआ हुआ है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और इसमें आपको स्लाइडर वार्डरोब मिल रही है, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे प्रॉपर स्लाइडर वार्डरोब है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे सारे प्लेटफॉर्म बनी हुई है स्टोरेज के लिए ऊपर तक, और सेम इस तरफ भी दी गई है इसमें। तो आप जो भी आप देख लो, ये यहाँ पे भी एक ड्रॉअर मिल रही है, पार्टीशन की गई है प्रॉपर स्टोरेज के लिए, ऊपर तक प्रॉपर ये इंटैक्ट है फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू दी अटैच वाशरूम, इससे अटैच ये वाशरूम फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की तो इसमें भी ऑफ वाइट कलर के सारे वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है, और ये इसका डिज़ाइन हो गया कुछ वाशरूम का, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड्स, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। फिटिंग्स एंड ऑल सारे इसमें ही जैगवार के दी गई है, क्रॉम्पटन के एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, विंडो दी गई है इसमें प्रॉपर लाइट के लिए, और यहाँ पे कमोट एरिया है, सीट एरिया है, वो भी सारे जैगवार के दी गई है। फिटिंग्स सारे जैगवार के हैं, और सीट और कमोट जो ये क्यूई ब्रांड की दी गई है इसमें। नीचे वारंटी मिल रही है आपको, तीन वारंटी डोर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनी हुई है क्यू की ब्रांडिंग की, वॉश बेसिन मिल रही है जैगवार की आपको। इसमें फिटिंग्स हैं सारे, जो कि आप देख पा रहे होंगे, और टाइल्स प्रॉपर ऊपर तक इंटैक्ट ही है। मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बालकनी, जो कि ये ईस्ट फेसिंग है फ्रेंड्स। और अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की तो इसमें प्रॉपर आपको ग्रेनाइट का काम किया गया है, ग्रेनाइट लगी हुई ब्लैक कलर की, जो कि आप ये देख पा रहे हो। टैप के लिए वहाँ प्रोविजन दिया हुआ है, आयरन की रेलिंग दी गई है इसमें प्रॉपर, और सारे आउटर्स के लिए सारे प्रोविजन यहाँ पे छोड़े गए हैं, जो कि ये भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे प्रॉपर चैम्बर बनी हुई है, टैप का प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है फ्रेंड्स। सारे जितने ही पाइप्स हैं सारे कवर हो गए हैं सीट से, जो कि आप ये देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू दी अटैच, मूविंग ऑन टू दी किचन एरिया, जो कि इस लॉबी से मतलब अटैच्ड है ये। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसकी इसकी चौखट की, तो आप देख पा रहे हो कि प्रॉपर इसमें काम किया गया है, वाइट कलर की पॉलिश लगी हुई है इसमें, बेंजर के बाद इसमें वाइट कलर की पॉलिश का काम किया गया है, जो कि ये देखने में काफ़ी बेहतरीन सा काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड्स। और इसमें ये इसका किचन हो गया, इसमें भी सेम आपको सारे वेट्रीफाइड टाइप का काम किया गया है, प्रॉपर ये मॉडर्न किचन बनी हुई है, ऊपर में ब्लैक कलर की काम किया गया है ग्रेनाइट का, ऊपर में सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, चिमनी के लिए प्रोविजन छोड़ा गया है, इस तरफ पेंट्री बनी हुई है, ओवन के लिए प्रोविजन दिया गया है इसमें, जो कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे फ्रिज आ जाएगी साइड बाई साइड की आपके, नीचे तक प्रोविजन का भी छोड़ा गया है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है फ्रेंड्स। ये किचन हो गया, इसमें भी आपको प्रॉपर फॉल्सिंग का काम हुआ हुआ है, देखने में ये भी काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड्स, जो कि आप ये देख पा रहे हो। मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बालकनी, जो कि मैंने बताया था कि ईस्ट फेसिंग है, इसमें यूपीसी की डोर दी गई है प्रॉपर। आपको वॉक अराउंड दे रहा हूँ, ये इसका किचन हो गया, और ये इसका कुछ डिज़ाइन हो गया, जो कि देखने में ऐसा काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। और इसमें सारे फिटिंग्स दिए गए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये भी, इसमें कटलरी के रखने के लिए सारा कुछ दिया गया है, सारे सॉफ्ट क्लोज ये, और ये सारे सॉफ्ट क्लोज ये। और यहाँ पे प्रॉपर आपको इसमें वॉल में प्रॉपर टाइल्स का काम किया गया है, क्रीम कलर की टाइल्स लगी हुई है इसमें, जो कि देखने में ये भी काफ़ी बेहतरीन से लग रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ऊपर अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे भी प्रॉपर ग्लास लगी हुई है, और सारे ही डोर्स इसमें, एक बार आपको दिखाना चाहूँगा क्या नहीं है, आइडिया लग जाएगा आपको। आप देख सकते हैं अंदर माइका का यूज़ किया गया है प्रॉपर, सारे हिंजेस लगे हुए हैं, सारे सॉफ्ट क्लोज हैं, जो कि आप देख सकते हो ये। और ये इसका पेंट्री एरिया हो गया, और यहाँ पे भी लॉक्ड है, और इसमें मतलब ओवन के लिए यहाँ स्पेस दिया गया है, यहाँ बाहर में सिंक बनी हुई है फ्रेंड्स, यहाँ नीचे भी बॉक्सेस बना हुआ है, डुअल सिंक बनी हुई है इसमें भी, यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है प्रॉपर, और यहाँ पे सारे फिटिंग्स जो हैं जैगवार के दी गई है, जो कि आप देख पा रहे हो। टैप के लिए डुअल सिंक मिल रहा है इसमें आपको, और ये रनिंग बालकनी, जो कि सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम को कनेक्ट कर रहा है,
जो कि आप देख पा रहे हो। ये भी यहाँ पे प्रॉपर काम किया गया, ग्रेनाइट का मार्बल लगी हुई है और देखने में ये भी काफी बेहतरीन सा लग रहा है फ्रेंड्स। लोकेशन भी देखने में काफी बेहतरीन सा फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू द लॉबी एरिया, और मैं दिखाना चाहूंगा इसमें भी आपको सेरेमिक बैटरी फाइट है, इसका काम किया गया है इस लॉबी में। और ये इसका ड्राइंग रूम हो गया और इसमें भी आपको प्रॉपर फॉल्सिंग का काम हुआ है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये, जो कि आप ये देख पा रहे हो। यहाँ पे पार्टीशन भी किया गया है और इसमें आपको टाइल्स का काम किया गया है फ्लोरिंग में। और ये इसका ड्राइंग रूम हो गया, ये इसका डाइनिंग हॉल हो गया, यहाँ पे आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी, यहाँ पे सोफा लग दो, टीवी पैनल बनी हुई है इसमें, पार्टीशन भी इसमें करा गया है, यूपीवीसी के साइड डोर्स मिल रहे हैं, फॉल्सिंग का काम हुआ हुआ है, एसी के लिए प्रोविजन दिया गया है इसमें, सारे ही ऑफ वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई, सारे सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है इसमें, टीवी पैनल बनी हुई है जो कि आप ये देख पा रहे हो कि काफ़ी बेहतरीन सा बना हुआ है ये। और मैंने बताया आपको साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है ये, इसमें प्रॉपर आपको काम किया गया है, मार्बल लगी हुई, ग्रेनाइट का काम किया गया है, आयरन की रेलिंग दी गई है इसमें जो कि ये देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है, जो कि आप ये देख पा रहे होगे, लोकेशन भी काफ़ी बेहतरीन सा फ्रेंड से, काफ़ी सारी कंट्रोल बनी हुई है। और ये इसका लॉबी का कुछ डिज़ाइन हो गया जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए, अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें भी टॉप फ्लोर ही बचा हुआ है और प्राइस एंड ऑल सारा कुछ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चेकआउट कर लेना। अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।